हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और कीमा। बहुत ही मज़ेदार आलू और कीमा आज हम बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए है प्याज तकरीबन 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच। आलू हमने उसके लिए लिए हैं 1/2 kg। टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के 2 अदद लिए हैं। व्यूवर्स देखें, कीमा मेरा फ्रीज हुआ है। कीमा मैंने लिया है 1 किलो। कीमा फ्रीज हो चुका है, इसे हम कैसे खोलेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। व्यूवर्स मैंने थोड़ा सा प्रेशर में पानी डाल के कीमे को डाल के इसे मैंने 10 मिनट के लिए वेट लगा दिया है और दूसरी तरफ हमें इसका मसाला तैयार करेंगे। व्यूअर्स देखिए, देजगी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी और इसमें तकरीबन मैं 1/2 कप ऑयल डाल दूंगी। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैतून का ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1/2 कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अभी अब सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। इसे 2 मिनट हम भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें तमाम मसाला ऐड करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, 1/2 खाने का चम्मच। सूख मिर्च 1 खाने का चम्मच। भर के जरा, अगर आप कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। अगर गोश्त, मुर्गी या कीमा कुछ भी आप बना रहे हैं तो इसमें इलायची ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा और जो स्मेल आएगी चिकन की या कीमे की, गोश्त की, वो भी नहीं इससे आएगी। सूट मैं हर खाने में ऐड करती हूँ, ये ऑप्शनल है। आपके पास है तो आप ऐड कर सकती हैं 1/2 टीस्पून। जीरा 1 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक हमारा कीमा हो रहा है हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। व्यूअर्स कीमा हमारा मेल्ट हो गया, अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे।
कीमा थोड़ा बहुत ज्यादा था, इसमें मैंने हाफ के जी कीमा ऐड की। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे कीमे को। दो तीन मिनट हमने कीमे को अच्छी तरह भून लिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच में पकाएंगे ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। व्यूअर्स देखें, 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो गया है। एक कप पानी मैंने इसमें डाला था, वो अच्छी तरह खुश्क हो गया। हम फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। कीमा हमारा तकरीबन गल चुका है। 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। देखते हैं व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को भी हम तकरीबन इसी तरह भून लेंगे 2 से 3 मिनट। कलर देखें हमारा कितना अच्छा आया है। मुझे 3 मिनट हो चुके हैं, आलू अच्छी तरह हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करें। एक से डेढ़ गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे, फिर इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे ढाम के पकाएंगे। व्यूअर, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आलू कीमा हमारा तैयार है। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आलू कीमा हमारा तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। बहुत ही मज़े का, एक दफ़ा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।